गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पीछे वाली क्लास में विद्रोह के अक्ष पर विद्युत शक्ति और गणना देखे हैं। तो देखिए वो टॉपिक वापिस पूछा गया है, तो बता देते हैं क्या टॉपिक था अपना। विद्रोह के अक्ष पर के अक्ष पर, तो इसके लिए हमने एक और चित्र बनाया था। ये और बी पॉइंटर, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की प्रभावकारी दूरी क्या है? 2a। और एक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक्स किसे कहते हैं कि द्विध्रुव के संरेखा के मध्य या संपाति लिया गया तो बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके संरेखा के मध्य संपाति लिया गया तो बिंदु होता है वो क्या कहता है? एक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये लिया हमने, इसका मध्य बिंदु C था, ये B पॉइंट दिया है, इस पर आपको गणना करनी है जो मध्य बिंदु C कितने दूरी पर है, मोला में दूरी पर है। ठीक है, अब आपको पता है ये मध्य बिंदु है तो प्रभावकारी दूरी थी तो ये कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है इसमें। ठीक है ना, यदि द्विध्रुव के अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं तो दोनों आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। मान लीजिए दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होती है वो E1 और E2 है, तो परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के क्या होगी? तुल्य होगी, E1 प्लस E2। कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गणना में तो ये सदिश राशि होती है। अब देखिए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1, तो क्यों को आर स्क्वायर होता है, प्लस क्यों कहाँ पर है? ए पर, तो गणना कहाँ पर करनी है? डी पर। ठीक है ना, तो ए डी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अनुसार ए डी का यदि मान निकालते हैं तो क्या आएगा? ई डी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और ये यहाँ से यहाँ तक ए, अभी तो सिर्फ ये दूरी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस ए, चूंकि ए डी बराबर आर माइनस ए, इसलिए E1 बराबर K अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या आएगी? E2 बराबर माइनस क्यू अपॉन, तो दूरी देखते हैं माइनस क्यू, बी पॉइंट पर गणना करनी है डी पर, तो दूरी क्या हो गई? बी डी हो गई। क्या लिखेंगे? बी डी स्क्वायर, क्या स्क्वायर होता है तो बी डी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी का मान देखते हैं तो बी डी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो गई और ये ए, तो आर प्लस ए, तो क्या लिखेंगे? चूंकि बी डी बराबर आर प्लस ए। ठीक है, इसलिए आगे हल करते हैं इसको। इसलिए E2 बराबर माइनस AQ अपॉन R प्लस AP होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने ज्ञात के लिए पॉइंटर D पर, तो ये जो E1 और E2 के मान हैं समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 2 में
किंग से। तीनों समीकरण से ई की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, देखिए ई बराबर ई वन, तो ई वन की वैल्यू ये रही ए क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर, ई टू माइनस का के क्यू तो प्लस माइनस है माइनस, तो माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर, ठीक है के क्यू कॉमन ले सकते हैं, क्या रहेगा अंदर वन अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सब तुम देते हैं, तो ई बराबर के क्यू क्या लोग तुम आ गया आर माइनस ए की होल स्क्वायर आर प्लस ए की होल स्क्वायर, ठीक है तो आर माइनस ए की होल स्क्वायर का भाग देंगे क्या रह जाएगा आर प्लस ए की होल स्क्वायर, तो आर प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए की होल स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या रहेगा आर माइनस ए की होल स्क्वायर, तो आर माइनस ए की होल स्क्वायर, तो क्या किया है कि ए वन ए टू दोनों आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाते हैं जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है जिसके कारण हम क्या लिखते हैं ई वन प्लस ए टू प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण यदि लिखते हैं तो चित्र अनुसार क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन दूरी प्लस क्यू ए पॉइंट पर है तो ए डी स्क्वायर और डी पॉइंट पर बना करिए तो दूरी क्या हो गई ए डी हो गई, ठीक है ना, तो ए डी स्क्वायर ए डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आर माइनस ए मान रख दीजिए, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो माइनस क्यू बी पॉइंट पर है गणना करेंगे डी पॉइंट पर तो दूरी क्या हो जाएगी बी डी स्क्वायर माइनस आवेश था तो माइनस क्यू जो लिया है बी डी बराबर तो आर प्लस ए मान दीजिए, ये मान ए वन ए टू के समीकरण एक में रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो उतरने के लिए इसको हल कीजिए, आगे देखिए फिर शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अब देखो हल करते हैं और इसका लास्ट इक्वेशन ये थी अपनी, तो इसमें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो हल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ई बराबर ए क्यू ए प्लस बी की होल स्क्वायर से इसको हल करते पहले तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर दिक्कत नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इसके अनुसार हो गया माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू ए आर कोई दिक्कत नहीं है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये होल स्क्वायर पहले लगी हुई है और हल करते हैं इसको तो ई बराबर ए क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर ये ऐसा ऐसा लिखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस चंद्र गुणा करते हैं तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस क्यों रहेगा प्लस टू ए आर नहीं हो गया प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल टू ए आर कितना हो गया फोर ए आर हो गया तो ई बराबर ए क्यू इंटू फोर ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फोर स्क्वायर तो देखिए इस फोर को इस प्रकार लिखा जा सकता है टू इंटू टू लिख सकते हैं ना इसके बाद आप इसको लिखते हैं देखिए ई बराबर टू ए क्यू इंटू टू ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर तो देखिए टू टू से गुणा करेंगे फोर ही तो आएगा लिख सकते हैं क्यों लिखा है चूंकि द्विध्रुवा गुण क्या कहता है क्यू इंटू टू ए क्या होता है पी होता है क्या होता है पी इसलिए ई बराबर टू के पी और क्यू इंटू टू ए को क्या लिख दिया पी लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहाँ तक सिर्फ हल किया है
4a r जो आपके पास प्राप्त हुआ है उसको क्या लिखा है 2 into 2, ठीक है ना, क्यों लिखा है क्योंकि q into 2 a क्या होता है, t होता है, रिद्रो है, आगुण होता है, ठीक है। अब देखिए यदि r का मान बहुत बड़ा हो अर्थात a जो है उसको नगण्य माना जाए, ये लगभग 0 की ओर अग्रसर हो, तो हम क्या ले सकते हैं कि यदि r greater than a तो a की जो वैल्यू होगी वो 0 की ओर क्या होगी, अग्रसर होगी। तो यहाँ पर एक स्थान क्या चाहिए 0, तो e बराबर क्या आ गया 2 a p r upon r square e o square, ये तो 0 हो गया, e बराबर 2 a p r upon r t r, क्योंकि ये वही 4, ये का स्थान प्लेस कर दो तो e बराबर 2 a p upon r q, e बराबर लिखते हैं वेक्टर के रूप में तो 2 a c upon r r cube r k, ठीक है। r k पे कोई एकांक सदिश किस के अनुदेश इसके परिमाण की तीव्रता होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार द्विध्रुव के निरक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर भी क्षेत्र तीव्रता की गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, देखिए अपना टॉपिक क्या है, द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। उसको प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है आपको, तो इसके लिए हम चित्र बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई द्विध्रुव आपके पास ए और बी पॉइंट पर, यहाँ पर ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, इसकी प्रभावकारी दूरी है 2a, क्या है 2a। अब निरक्ष क्या होता है कि द्विध्रुव के ए मध्य बिंदु से लंबवत लिया गया जो बिंदु होता है वो निरक्ष को व्यक्त करता है, तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है सी, मध्य बिंदु है तो ये दूरी क्या रहेगी ए, ये दूरी भी क्या रहेगी ए, ठीक है। अब मान लीजिए द्विध्रुव से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु बी स्थित है, क्या है बी स्थित है, ठीक है, जिस पर दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होती है, प्लस क्यू के कारण ई वन, माइनस क्यू के कारण ई टू, ठीक है, प्लस क्यू के कारण तो ई वन और माइनस क्यू के कारण ई टू। अब देखिए ये दूरियां जो है ए डी और बी डी दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि यदि तुम देखते हैं ए सी डी और बी सी डी तो इसमें आधार और प्रण आपस में बराबर है, ठीक है ना, तो चलिए आधार और लंब बराबर है तो कर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये निकाल भी सकते हैं क्या दूरी आएगी इसके अनुसार, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात ये दूरी आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात, ये बता दो या अनुरूप, ये दूरी भी होगी, दोनों दूरियां बराबर होने के कारण क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, समान हो जाएगी, ठीक है, लेकिन दिशा क्या होगी, दूसरे की विपरीत होगी। तो बिंदु डी पर क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता वगैरह घटक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, प्लस क्योंकि कारण जो क्षेत्रीय घटक होगा वो ये है मान लीजिए ई वन कोस थीटा प्लस क्यू कारण, इसका ध्रुव घटक इस प्रकार होगा ऊपर की ओर ई वन साइन थीटा, इसी प्रकार माइनस क्यू कारण क्षेत्रीय घटक देखते हैं तो वो है ई टू कोस थीटा, इसी ओडी सी डी रेखा लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक है वो इसके विपरीत होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण वो होगा ई टू साइन थीटा,
तो देखिए चित्र है वो साफ साफ कह रहा है कि इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है परिमाण में समान होंगे क्योंकि E1 और E2 बराबर है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। इनके ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो प्राप्त होगी वो इसके रूप में प्राप्त होगी क्षैतिज घटक के योग के तुल्य प्राप्त होगी ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा। इस प्रकार परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसमें प्राप्त होगी। तो आप भी देख लीजिए कि माना चित्रानुसार कोई द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु से निरक्ष के अनुदिश कोई स्मॉल आर बिंदु डी स्थित है जिस पर दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वन और ई टू उत्पन्न होती है। बिंदु डी दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगी समान होगी। अतः बिंदु डी पर इन विद्युत क्षेत्र तीव्रता को अलग अलग घटक के रूप में विभाजित किया जाता है ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक के रूप में विभाजित किया जाता है। तो प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में क्या होंगे समान लेकिन दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है चित्र के अनुसार पता चल रहा है ठीक है। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी वो क्षैतिज घटक के योग के रूप में प्राप्त होती है ठीक है ना। अब देखिए चूंकि हमें पता है इनके परिमाण समान और दिशा विपरीत है तो कह सकते हैं E1 और E2 इनका परिमाण लेते हैं तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे इसलिए E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ये दूरियां समान है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगी समान होगी इसलिए E बराबर E1 E1 क्या होगा 2 E1 cos थीटा। समीकरण नंबर एक ई वन और कोस थीटा वैल्यू निकाल लिया तो ई वन किसके कारण है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता तीव्रता ई वन बराबर ए क्यू अपॉन दूरी तो ए डी स्क्वायर प्लस क्यू है पॉइंट डी पर गणना करनी है तो प्लस क्यू है पॉइंट पर है तो दूरी क्या हो गई ए डी स्क्वायर हो गई। चूंकि ए डी स्क्वायर का मान ही हम निकालते हैं तो क्या आएगा पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए डी की वैल्यू निकालते हैं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात इकट्ठा दो या अनुरूप ठीक है। इसलिए E1 बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो हमारे पास AD स्क्वायर और AD स्क्वायर वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। समीकरण नंबर ये आगे मान लीजिए दो। इसी प्रकार त्रिभुज ACD से cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं त्रिभुज ACD से cos थीटा बराबर तो ये आपको पता लंबा है और ये कर्ण और ये आधार है cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण तो आधार तो है इसमें AC और कर्ण है इसमें AD ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर आधार AC AC की वैल्यू क्या है स्मॉल a और AD की वैल्यू आपने अभी निकाली थी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर घात 1 बटा 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1 बटा 2 कोई दिक्कत नहीं है ये वैल्यू इनमें रखते हैं तो ये समीकरण मान लीजिए आपके पास तीन प्राप्त हो गई प्राप्त हो गई तीन ठीक है ना। और आगे हल करते हैं समीकरण इसको ये लिख सकते हैं देखिए E बराबर E Q गुणा 2A ये जो 2 था इसे एक के साथ लिख दिया Q
ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आधार समान है, इस पर घाते मान सकते हैं, तो घात बन जाती है, तो एक और आधे तीन बटा दो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा दो। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें पता है क्यू इन टू को ये क्या होता है, जीरो अवगुण होता है, नहीं होता है पी, इसलिए ई बराबर क्या गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात तीन बटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि आर बहुत बड़ा हो तो कंडीशन लगा देते हैं कि आर ग्रेटर देन ए, ये मतलब किस की ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर अग्रसर होता है सूक्ष्म मान के लिए, तो ई बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर की घात तीन बटा दो, दो से दो कैंसिल, ई बराबर और एक्स पर क्या प्राप्त हुई थी, प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये प्राप्त हुई थी याद रखो टू के पी अपॉन आर क्यूब, यानी कि इस पर इसके आदि प्राप्त हुई है नहीं है, अर्थात विद्रोह के निरक्ष पर तो प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता द्वि अक्ष की आदि प्राप्त होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ सकते हो कि हमने चित्र अनुसार प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्षैतिज घटक के द्वारा दर्शाई है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उत्तर घटक है दिशा में तो क्या होते हैं विपरीत होते हैं और द्रव्यमान में क्या होते हैं समान होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के प्रभाव में निरस्त कर देते हैं, प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज घटक के रूप में प्राप्त होती है, और दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों आविष्कार जो ई1 ई2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रही है ये क्या होती है परिमाण में समान और दिशा में क्या होती है विपरीत होती है, तो ई1 ई2 इसका परिमाण ले लिया तो ई2 और ई1 आपस में क्या हो गए बराबर, तो ई बराबर टू ई1 cos थीटा प्लस क्यू आविष्कार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो केक्यू अपॉन एडी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एडी तो प्लस क्यू था ए पर और गणना करनी थी डी पर, तो आर स्क्वायर होता तो एडी स्क्वायर दिया, एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो जे सी डी से तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एडी की वैल्यू निकालेंगे अनरूट लगेगा एक बटा दो लिख सकते हैं अनरूट को, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एडी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया नहीं आ गया, इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर रखने के लिए तो जे सी डी से कोस थीटा का आधार बटा करण आधार ए सी और करण क्या है एडी, ए सी की वैल्यू चित्र में ए रखी है और एडी हमने प्राप्त की थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात तीन बटा दो। ठीक है, अब देखिए आपके पास समीकरण एक दो तीन है, सभी के मान समीकरण एक में रखते हैं तो दो ऐसा ऐसा ईवन की वैल्यू ये नहीं के क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात तीन बटा दो, इसको दो में आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बटा टू हो गया ये इनके आधार समान है तो घात उठ जाएगी, यहाँ पर ए का घात यहाँ पर आधी है तो तीन बटा दो हो गई, क्यू इंटू टू ये क्या होता है होता है तो ई बराबर क्या गया केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात तीन बटा दो, यदि आर बहुत बड़ा हो ऐसे तो ए का मान लगभग शून्य की ओर अग्रसर होता है ए अल्पमान के लिए, तो यहाँ पर शून्य रखेंगे तो दो से दो कैंसिल आर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार प्रणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है निरक्ष के अनुदेश बोधित ध्रुव के अक्ष की आदि प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे इससे संबंधित, ओके गुड बाय।